हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस मैनेजमेंट में यूनिट वन हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में भी। तो यूनिट वन में अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। तो बस उनसे आगे जो भी टॉपिक्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यूनिट वन के कुछ टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या हो रहा है आखिर, ठीक है। तो फिलहाल जो इससे पहली वाली वीडियो थी, जो था एपिसोड नंबर 5, उसमें हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। एक स्टेटमेंट थी, इसके बारे में हमने जाना था, समझा था। मैनेजीरियल रोल्स क्या होते हैं, मिंट्सबर्ग ने जो दिए थे हमने वो पढ़ा था। मैनेजीरियल रोल्स क्या होते हैं हमने वो जाना था। फिर उन्होंने 3 कैटेगरीज दी थी, ठीक है, जो कि थी इंटरपर्सनल रोल्स, इन्फॉर्मेशनल रोल्स और डिसीजनल रोल्स, ठीक है। इन कैटेगरीज के बारे में हमने जाना था। फिर इन कैटेगरीज के अंदर उन्होंने 10 मैनेजीरियल रोल्स दिए थे, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि उसको अगली वीडियो में करेंगे, तो ये अगली वीडियो यही है, ठीक है। तो जो उन्होंने 10 मैनेजीरियल रोल्स दिए थे मिंट्सबर्ग ने, वो थे हमारे फिगरहेड, लीडर, लाइजन, ठीक है। इन्फॉर्मेशनल रोल्स की कैटेगरी में देखें तो मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल्स में देखें तो एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो टोटल 10 मैनेजीरियल रोल्स मिंट्सबर्ग ने दिए थे, ठीक है। वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम 10 की जगह 5 रोल्स जो हैं डिस्कस करेंगे, जिससे कि 10 के 10 एक बार में करके आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले आप 5 करो, ठीक है, उनको समझो अच्छे से, खुद उनको घर पे बैठकर, मतलब जहाँ भी आप देख रहे हो, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वो 5 कवर कर लेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं मैनेजीरियल रोल्स 5, वो ये हैं फिगर हेड, लीडर, ठीक है, लेजन, मॉनिटर और डिसेमिनेटर के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रोल जो मैनेजीरियल रोल जो मिंट्सबर्ग ने दिया था वो था फिगर हेड, ठीक है। अब ये फिगर हेड होता क्या है, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी। दिस रोल रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मैनेजर टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू सोशल, सिम्बॉलिक और लीगल मैटर्स, ठीक है। इस रोल में क्या होता है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ मैनेजर, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं अपनी, ठीक है, टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू सोशल, ठीक है, सिम्बॉलिक और लीगल मैटर्स। हम एक मैनेजर हैं, ठीक है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है, फिर वो रिलेटेड हो किससे, चाहे सोशल, चाहे वो सिम्बॉलिक, उनका सिम्बॉलिक रिलेशन हो, या फिर कोई लीगल मैटर्स हो, हमें इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ टास्क करने हैं, ठीक है। वो टास्क क्या होंगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोशल रिलेटेड, सिम्बॉलिक रिलेटेड, लीगल मैटर्स में हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करेंगे। इन दीज सिचुएशंस यू आर नॉट मेकिंग डिसीजंस बट सर्विंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप सर्व कर रहे हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जो मान लो आप किसी फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं जाके उस फर्म के बारे में बता रहे हो लोगों को, ठीक है, कि हमारी ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम इन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो आप क्या कहलाओगे, रिप्रेजेंटेटिव, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो फिगर हेड में भी आप कोई डिसीजन नहीं लेते हो, बल्कि आप सर्व करते हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, सोशली या फिर लीगल मैटर्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें करते हो। एज अ फिगर हेड यू ऑल्सो एम टू इंस्पायर योर टीम टू कम्प्लीट गोल्स एंड टास्क। एज अ फिगर हेड, अब आप एक फिगर हेड हो, एक मैनेजर हो, ठीक है, तो आपका एक एम है कि आप इंस्पायर करो अपनी टीम को, ठीक है, उनके जो भी गोल्स हैं, क्योंकि जो उनके गोल्स हैं वो आपके गोल्स हैं और वही फर्म के गोल्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, तो आप उनको इंस्पायर करो अपनी टीम को, उन गोल्स को, उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिगर हेड। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिगर हेड रोल इज वैन यू अटेंड अ सोशल लंच और इवेंट विद अ क्लाइंट। देखो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर आ गई फिगर हेड की, क्या, जब आप कोई सोशल लंच या फिर कोई इवेंट जो है अटेंड कर रहे हो किसी क्लाइंट के साथ, मान लो आप क्लाइंट के साथ किसी पार्टी में गए हो, ठीक है, किसी की शादी में गए हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे सोशल लंच है, ठीक है, कोई गेट टुगेदर है आपका जहाँ पे आप अपनी क्लाइंट के साथ गए हो, यू आर देयर टू प्रमोट योर कंपनी और टीम एंड प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव प्रोफेशनल इमेज। तो वहाँ पर आप जाकर अपनी कंपनी को प्रमोट करोगे, ठीक है, अपनी टीम को वहाँ पे आप अपनी टीम के बहुत अच्छी चीज़ें बताओगे अपनी टीम के बारे में, कि इतने सपोर्टिव है, इतनी हार्ड वर्किंग मेरी टीम है, ठीक है। वहाँ पे आप ऐसा एक पॉजिटिव सी इमेज बनाओगे, एक प्रोफेशनल इमेज अपनी क्रिएट करोगे, किसकी, अपनी भी, अपनी टीम की भी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी, ठीक है। तो ये फिगर हेड का काम होता है, ठीक है। तो ये मैनेजीरियल रोल नंबर 1 था फिगर हेड, जो कि मिंट्सबर्ग ने दिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो कि है लीडर। अब लीडर कौन होता है, मालिक, थोड़ा आपको समझ आ गया होगा लीडर वर्ड से भी, ठीक है, इसको समझते हैं।
The leader managerial role refers to your duty as a manager to oversee the performance of your staff. Leader का काम क्या होता है कि वो गाइड करे या फिर नज़र रखे. पहले वो नज़र रखेगा बेसिकली, ठीक है, फिर वो गाइड करेगा चीज़ों को, मतलब जो भी उसको लगेगा कि ये चीज़ गलत हो रही है इसको थोड़ा ठीक करो. तो लीडर का यही काम होता है. तो ये रिफर्स टू योर ड्यूटी एज अ मैनेजर. हमारी एक ड्यूटी रहेगी, हम एक मैनेजर हैं, ठीक है, टू ओवर सी द परफॉर्मेंस. हम जो भी परफॉर्मेंस हमने जो टास्क अलॉट किए हैं लोगों को या फिर दिए हैं जो भी टास्क लोगों को, वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं, उस चीज़ पर नज़र रखेंगे, ठीक है. ओवरऑल योर यू एम टू मैनेज द टीम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच मेंबर टू एंश्योर यू रीच ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली, ठीक है. तो हमारा एक एम रहेगा टू मैनेज द टीम एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हम उस टीम को भी मैनेज करें और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी हम मैनेज करें, ठीक है. एज अ लीडर हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी, हमारी क्या, जो भी मैनेजर है उसकी एक जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपनी टीम को भी मैनेज करे और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्लस जो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उनको मैनेज करे, ठीक है. ऑफ ईच मेंबर टू इंश्योर यू रीच ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली. इससे क्या होगा, जो मैनेजर होगा वो इंश्योर करेगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स वहाँ अचीव होने हैं वो इफेक्टिवली अचीव हो जाएं या फिर इफेक्टिवली बहुत अच्छे से वो पूरे हो जाएं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स उनके रहे होंगे उन टास्क को करने से पहले, उन टास्क के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं, ठीक है. तो लीडर बेसिकली यही होता है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी है तो इसको समझते हैं. एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की. योर टीम मे हैव अ स्पेसिफिक सेल्स गोल इट एम्स टू रीच वन मंथ, ठीक है. आपकी एक टीम है, उसके कुछ स्पेसिफिक सेल्स गोल हैं, ठीक है, कि उनको इतने टाइम पीरियड में इतनी सेल करनी है, ठीक है, एक मंथ में इतनी सेल उनको करनी है, ये उनका गोल है. एज अ लीडर यू वुड कम्युनिकेट योर एक्सपेक्टेशंस टू टीम मेंबर्स एंड एंश्योर दे अंडरस्टैंड देम. तो एज अ लीडर उनकी आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप कम्युनिकेट करें उनके साथ अपनी एक्सपेक्टेशंस को, जो भी आपकी उम्मीदें हैं उन उस टीम से, ठीक है, उस ग्रुप ऑफ पीपल से. तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उनसे कम्युनिकेट करें और इंश्योर करें कि वो उस चीज़ को समझ रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है. आपको अपनी बात उन तक रखनी है कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है. एक्सपेक्टेशंस दूसरे को पता होनी ज़रूरी है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, ठीक है. वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा ठीक हो जाती हैं. आप रियल लाइफ में भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है. अगर आपको अपने किसी फ्रेंड से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से, तो आप उसको जाके बता दो कि भाई मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, इस पर्टिकुलर जो भी आपका रिलेशन है, आपकी फ्रेंडशिप है, आपका कुछ भी है, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी उसको पता होनी चाहिए. तो वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें सही हो जाती हैं. थ्रू आउट द मंथ यू वुड चेक इन विद देम रेगुलरली टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड मे प्रोवाइड रिसोर्सेज और डेलीगेट टास्क एज नीडेड टू हेल्प देम अचीव द गोल्स, ठीक है. क्या लिखा है, जब आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस उनके सामने रखी, ठीक है, उन्होंने आपकी बात को समझा. थ्रू आउट द मंथ यानी कि पूरे महीने में यू वुड चेक इन विद देम रेगुलरली टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. अब आपने अपनी बात रख दी, आप पूरे महीने आप मॉनिटर करोगे कि जो चीज़ें आपने बोली थी, जिस तरह से आप चाह रहे थे काम, वैसा काम हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है. आप रेगुलरली उनको मॉनिटर करोगे, उनकी प्रोग्रेस देखोगे एंड मे प्रोवाइड रिसोर्सेज और डेलीगेट टास्क. आप कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे क्योंकि भाई उम्मीदें आपने लगाई हैं उनसे, ठीक है, तो उनकी हेल्प करना भी आपका कर्तव्य बनता है एज अ लीडर, ठीक है. आप उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाओगे और उनको टास्क दोगे जिस जिस चीज़ में वो स्किल उनके ज़्यादा हैं या फिर उनकी मर्जी से आप दे सकते हो उनको टास्क, जिस चीज़ में वो अच्छे हैं, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, ठीक है. तो जिस चीज़ में वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा, जिस चीज़ में वो अच्छा होगा, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उससे रिलेटेड उसको टास्क मिलें तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ एक रहती है, ठीक है. आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करो, डेलीगेट करो उनको टास्क, उनकी जो भी नीड है, ठीक है, एज नीडेड टू हेल्प देम अचीव द गोल्स, उनकी हेल्प करो, मतलब जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है. तो लीडर, एज अ लीडर आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है जो कि ये थी, एग्जांपल में हमने जानी, और लीडर होता क्या है वो हमने ऑलरेडी जान लिया है. फिगरहेड और लीडर, ये थे दो मैनेजीरियल गोल्स, ठीक है, जो मिंट्सबर्ग ने दिए थे. अब आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा लाइजन और मॉनिटर, ठीक है. लाइजन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं. इन द लाइजन रोल द मैनेजर क्रिएट एंड मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, ठीक है. तो लाइजन रोल में क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो क्रिएट करता है और उसको मेंटेन करता है, किसे, इंटरनल रिलेशनशिप्स को अपने और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स. इंटरनल रिलेशनशिप्स कौन हो गए उसके, कौन से हो गए, जो उसके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होंगे उस फर्म में, ठीक है, उसके साथ जो भी वर्कर्स होंगे वो उसका इंटरनल रिलेशनशिप्स हो गए, और एक्सटर्नल मतलब उस फर्म से बाहर की दुनिया, ठीक है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो मैनेजर है उसके बाहर जो भी दुनिया है वहाँ उसका एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है.
यू सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल टू इंश्योर वर्क रन्स स्मूथली. आप यहाँ पे सर्व कर रहे हो एज अ कनेक्शन, ठीक है, आप एक कनेक्शन बना रहे हो बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. अब वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कौन से हो गए, एक इंटरनल रिलेशनशिप्स वाले आपके और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर रिलेशनशिप वाले, ठीक है, तो उनके बीच आप एक कनेक्शन सर्व कर रहे हो, ठीक है, एक कनेक्शन का काम है आपका, ठीक है, आपने उनसे भी कनेक्शन अच्छे करे हुए हैं और एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो आपका वर्क है वो स्मूथली रन करेगा. एज अ लाइजन यू मे ब्रिंग मेंबर्स ऑफ योर एक्सटर्नल नेटवर्क इन टू द कंपनी टू हेल्प अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मोर एफिशियंटली. एज अ लाइजन, ठीक है, जो मैनेजरियल रोल है लाइजन, इसमें आपका ये भी फर्ज बनता है, ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि जो एक्सटर्नल नेटवर्क में लोग हैं, ठीक है, आपकी फर्म से बाहर के जो लोग हैं आप उनको अपनी कंपनी में लाओ, ऐसी सड़क से उठा के नहीं लाना है, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटीज़ देखनी है, उनके स्किल्स देखने हैं, ठीक है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो लायक हैं इस चीज़ के या नहीं, तो आप ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में लाओ, ठीक है, जिससे कि आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको और ज़्यादा एफिशिएंटली उनको अचीव कर सको, ठीक है, तो एज अ लाइजन आपका ये भी कर्तव्य बनता है. एक्सटर्नल नेटवर्क से आप लोगों को लाओ अपनी कंपनी में, उनको जॉब दो, उनको टास्क प्रोवाइड करो, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ज़्यादा एफिशिएंटली तरीके से उनको अचीव कर लो, ठीक है. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल एज अ मैनेजर यू वुड कम्युनिकेट रेगुलरली विद योर एम्प्लॉयज बट ऑल्सो इंटरेक्ट विद योर क्लाइंट्स, ठीक है. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, एज अ मैनेजर आप एक मैनेजर हो तो आपको कम्युनिकेट करना चाहिए रेगुलरली किससे, एम्प्लॉयज के साथ, है ना, और बट ऑल्सो इंटरेक्ट विद योर क्लाइंट्स, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी आप रेगुलरली कम्युनिकेट करें, ठीक है, और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी आप इंटरेक्ट करते रहें. इन योर क्लाइंट कन्वर्सेशन यू कैन गेन इनसाइट्स ऑन वॉट देयर नीड्स आर. जब आप अपने क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनसे कन्वर्सेशन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा वहाँ से कि उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी. देन रिले दैट इन्फॉर्मेशन टू योर एम्प्लॉयज़. फिर आप जो भी उनकी नीड्स होंगी क्लाइंट्स की, उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाओगे कि भाई जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमें ये प्रोडक्ट बेचना है या फिर जिनके लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी ये हमारी उनकी ये नीड्स हैं, ठीक है, ये वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, ठीक है. अब उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एम्प्लॉयज़ को कि हाँ क्लाइंट्स की ये नीड है और हमें इस तरह से वर्क करना है, ठीक है. यू कैन एंश्योर दैट दे वर्क टू फुलफिल दोज नीड्स एंड डिलीवर अ सक्सेसफुल रिजल्ट. तो अब हमारा क्या रोल है, हमने क्लाइंट से इंटरेक्ट करा, उससे कन्वर्सेशन की, ठीक है, हमने उसकी एक्सपेक्टेशन जानी, उसकी नीड्स जानी, हमने एम्प्लॉयज़ को बता दिया, एम्प्लॉयज़ वर्क करने लग गए. अब हम क्या करेंगे, हमारा रोल यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, हम इंश्योर करेंगे कि जो भी वर्क है, ठीक है, जो भी उनकी नीड्स हैं वो अच्छे से पूरी हो जाएं और डिलीवर हो एक सक्सेसफुल रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने हमसे कहा था कि हमारी ये एक्सपेक्टेशंस हैं, हमने काम किया उस चीज़ पे, अब हम इंश्योर करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा सब कुछ हो गया या फिर नहीं, ठीक है, और सक्सेसफुली उन चीज़ों को वो डिलीवर कर देंगे अपने क्लाइंट्स के पास और वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म, ठीक है. फिर ये कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे कि मैनेजरियल रोल्स फिगर हेड और लीडर लाइजन, इस तरह से पूरे चलते रहते हैं, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, अब बारी है मॉनिटर की. In this role, you regularly seek out information related to your organization and industry, looking for relevant changes in the environment. अब monitor में क्या होगा, ठीक है, कहते हैं ना कि मैं उस चीज़ को monitor कर रहा था या फिर आपको कोई monitor कर रहा था, मतलब कि नज़र रखना या फिर और थोड़ी research करना उस चीज़ पर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, यू रेगुलरली सीक आउट इन्फॉर्मेशन, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से और जो भी इंडस्ट्रीज बाहर की होंगी उसमें आप नज़र रखोगे, ठीक है, और प्लस बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट को देखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाने हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं जो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उनसे क्या अलग कर सकते हैं, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज आज के समय में अगर सेम प्रोडक्ट बना रही है तो दूसरा बंदा जो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो ये देखेगा कि मैं यूनिक चीज़ क्या कर सकता हूँ, ठीक है. बिजनेस चलते ही ऐसे हैं जब आप कुछ हटके प्रोडक्ट लाते हो, ठीक है, जब सब चीज़ें सेम रहेंगी तो वो चीज़ें उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी, आपकी फर्म उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी. तो आपको मॉनिटर करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, लोगों की नीड्स क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमें ऐसे चेंजेस लाने हैं, ठीक है, जिससे कि आप अपने एक अच्छा रिजल्ट ला सको. यू ऑल्सो मॉनिटर योर टीम. हमें अपनी टीम भी मॉनिटर करनी पड़ेगी, ठीक है, हमें अपनी टीम पर नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोथ देयर प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह से वो कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें मॉनिटर उनकी करनी पड़ेंगी. फॉर एग्जाम्पल
यू मे यूज कस्टमर फीडबैक टू डिटरमाइन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, अब मॉनिटर का यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी दे दिया उन्होंने कि आप अपने कस्टमर का फीडबैक भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं, जो एक्चुअल में उसको प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे अच्छा फीडबैक आपको कोई नहीं दे सकता. ठीक है, मान लो आप कोई कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया, ठीक है, अपने कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स एक फीडबैक देंगे, हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो. पॉजिटिव होगा तो अच्छी बात है, नेगेटिव होगा तो आपको कुछ वहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है. अगर काफ़ी सारे लोग एक ही चीज़ के लिए कह रहे हैं तो आप उसको चेंज करो. ठीक, तो वो आगे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. यू ऑल्सो नीड टू मॉनिटर इंडस्ट्री ट्रेंड्स. अब आपको देखना है कि इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं, सच एज प्रोडक्ट्स लॉन्च बाय कॉम्पिटिटर्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस दैट योर कंपनी मे नीड टू फॉलो. ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं. ठीक है, कि जैसे जो फर्म आपकी है, जिस प्रोडक्ट की, वही फर्म किसी और ने भी चला रखी है, वही प्रोडक्ट वो बना रहा है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स पे भी नज़र रखनी है. इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है वो चीज़ भी आपको देखनी है. ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आपको अपनी फर्म में लाने हैं वो चीज़ें आपको देखनी है. इसलिए सारी चीज़ें आपको मॉनिटर पहले से करनी पड़ेंगी. ठीक है, चेंजेस अगर आपको लाने तो पहले आपको मॉनिटर तो करना पड़ेगा ना, एनवायरनमेंट, कस्टमर फीडबैक, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट, मैनेजीरियल रोल एक मॉनिटर. ठीक है, तो हमने अभी तक चार पढ़ लिए हैं शायद, फिगरहेड, लीडर, लाइजन और मॉनिटर. इस वीडियो में जो एक और हम पढ़ने वाले हैं वो है डिसेमिनेटर. ठीक है, हम पांच इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पांच मैनेजीरियल रोल्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं. ठीक है, पांच अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, फिलहाल इसको समझते हैं. दिस इज वेयर यू कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड योर टीम. ये एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर हम कम्युनिकेट करते हैं पोटेंशियली यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने कलीग के साथ और अपने टीम के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, After researching industry trends, you may have developed a proposal for a new product design. जब हमने अभी मॉनिटर में हमने क्या किया, हमने रिसर्च करी इंडस्ट्री ट्रेंड्स में. ठीक है, हमने डेवलप किया एक प्रपोजल फॉर अ न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन. ठीक है, जब हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली तो हमने क्या सोचा कि हमें जो अगला प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग रखना चाहिए हमेशा की तरह, मतलब हमेशा जो हम रखते हुए आ रहे हैं उससे थोड़ा अलग करते हैं. यू वुड देन सबमिट दिस प्रपोजल टू अपर मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड टू योर एम्प्लॉयज. ठीक है, अब मैंने वो अपने ऊपर वाले लेवल पर दिया. ठीक है, जो मेरे से ऊपर लोग बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं या फिर और कोई बड़ी पोस्ट पर बैठा है. ठीक है, पहले मैंने उनको ये प्रपोजल पहुंचाया अपर मैनेजमेंट में. ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया उसको. ठीक, एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड टू योर एम्प्लॉयज. फिर जब वहाँ से अप्रूव होकर आ गया कि भाई इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मॉनिटर करी हैं, इसने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, तो अपर मैनेजमेंट ने सोचा कि चलो जब इसने इतनी रिसर्च करी है तो एक बार ट्राई करते हैं जो इसने आइडिया दिया है इतना सब कुछ रिसर्च करने के बाद, कि हमें थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है. ठीक है, तो अब उन्होंने अप्रूव किया, फिर हमने वो दिया एम्प्लॉयज़ को कि हमारे ये आइडियाज़ हैं, इतनी रिसर्च करने के बाद हमने इस फैसले पर पहुँचे हैं और हमें ये चेंजेस करने चाहिए. Providing the proposal to your employees allows them to familiarize themselves with the project and enables you to determine how to delegate task. ठीक है, जब आप ये proposal अपने employees तक पहुँचा दोगे तो उनको क्या होगा, वो familiar हो जाएंगे इन चीज़ों से कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो और उनको किस किस तरह से वर्क करना है. ठीक है, जब उन्होंने देख लिया कि आपको ये काम करना है तो अब उनको समझ में आ जाएगा कि हमें कितना काम करना है, कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए. विद द प्रोजेक्ट एंड एनेबल्स यू टू डिटरमाइन हाउ टू डेलीगेट टास्क. ठीक है, अब वो भी आपको बता सकते हैं एम्प्लॉयज कि आपको टास्क किस किस तरह से डेलीगेट करना है. डेलीगेट का मतलब है कि सौंपना अपने काम को. ठीक है, मतलब जो भी टास्क वहाँ पर होंगे वो आपको किस किस तरह से डेलीगेट करना है, किस किस को डेलीगेट करना है, वो आपको वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा पता चल जाएंगी जब एम्प्लॉयज़ उन चीज़ों से फैमिलियर हो जाएंगे. ठीक है, हो सकता है एम्प्लॉयज़ आपको बता दें कि हमें इस स्किल्स में, इन स्किल्स में हम परफेक्ट हैं. ठीक है, तो हमें ये टास्क दो, हमें वो टास्क दो, हम वो काम अच्छे से कर सकते हैं, हम ये काम अच्छे से कर सकते हैं, और आप खुद भी डिसीजन ले सकते हो अपने टास्क, जो भी टास्क आपको कंप्लीट करना है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो भी आप अलॉट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, तो ये था डिसेमिनेटर. हमने यहाँ पे पांच मैनेजीरियल रोल्स पढ़े जो कि थे फिगरहेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर एंड डिसेमिनेटर. आई होप आपको पांच को ये पांच मैनेजीरियल रोल्स समझ आए होंगे अच्छे से. जो आगे के पांच और हैं, ठीक है, 10 दिए थे मिंट्सबर्ग ने, दोबारा बता रहा हूँ, 10 मैनेजीरियल रोल्स मिंट्सबर्ग ने दिए थे जिसमें हमने पांच अभी तक पढ़ लिए हैं. आप इनको अच्छे से पढ़ो, समझो और बिल्कुल अच्छे से इनको दिमाग में बैठा लो, अच्छे से याद कर लो. क्वेश्चन काफ़ी आने के चांस हैं कहें तो एग्जाम में. ठीक है, एक एक पॉइंट भी कोई भी आ सकता है कि मॉनिटर क्या होता है, डिसेमिनेटर क्या होता है, फिगर हेड क्या होता है, इसको डिफाइन करो. ठीक है, एक एक डिफाइन में भी आ सकता है या फिर 10 नंबर में एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मिंट्सबर्ग के 10 मैनेजरियल रोल्स को डिफाइन करो. ठीक है, कुछ भी बन सकता है, एग्जामिनर है भाई, कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन. ठीक है,
तो आप फिलहाल ये 5 पॉइंट्स अच्छे से तैयार कर लो, फिर जब आपके अच्छे से हो जाएंगे तो आने वाली वीडियो में जो 5 और होंगे उनको भी अच्छे से करवा देंगे और आप अच्छे से उनको भी कर लोगे, मुझे उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।